हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 वी विल बी कंटिन्यू। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 15, इंट्रोडक्शन, ये सब हमने फिनिश किया था। टुडे वी विल स्टार्ट द कंपाउंड्स ऑफ द 15 ग्रुप एलिमेंट्स। नंबर 1 इज द डाइनाइट्रोजन। फर्स्ट इज हेडिंग इज प्रिपरेशन, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। कमर्शियल प्रिपरेशन, नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय द लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। आपको पता ही है एयर में बहुत सारा अमाउंट नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का होता है प्रेजेंट। इफ़ वी लिक्विफाई इट देन वी विल गेट द लिक्विड नाइट्रोजन गैस एंड द लिक्विड ऑक्सीजन। तो हमें उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना पड़ता है। लिक्विड नाइट्रोजन डिस्टिल ऑफ फर्स्ट एंड द लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है वो आपकी रिमूव हो जाती है, बच जाती है, जबकि लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है इजीली रिमूव हो जाती बनती है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इन द लेबोरेटरी डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट। सॉरी, इट इज नाइट्रेट, ये मिस्टेक, बाई मिस्टेक लिखा हुआ नाइट्राइट, इट इज नाइट्राइट, NaNO2 इज कॉल्ड एज द नाइट्राइट। देन वी गेट द NaCl, ये NaCl आपका रिमूव हो गया, प्लस H2O एंड प्लस N2 गैस। तो ये हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन में और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में एक डिफरेंस समझो बच्चों, कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो हम करते हैं वो बड़े स्मॉल स्केल पे करते हैं, जबकि जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं लार्ज स्केल पे करते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हमारे पास इतने ज़्यादा एपरेटस नहीं होते कि हम बहुत हाई फाई कंडीशंस लगा सकें वहाँ पर, तो उसमें स्मॉल अमाउंट ही बनाते हैं, ईजिएस्ट वे में बनाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। आप यदि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हो तो भी आप अमोनिया नाइट्रोजन गैस को फॉर्म कर सकते हो। अमोनियम डाइक्रोमेट इज NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। ऑन हीटिंग इट गिव्स N2 प्लस H2O प्लस Cr2O3। ये थोड़ा बैलेंस नहीं है, यहाँ पर ट्वाइस H2O कर लेना। वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम एजाइड। यदि आपको वेरी प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो आप थर्मल डिकम्पोजिशन बेरियम एजाइड का भी करवा सकते हो। एजाइड बच्चों उसको बोलते हैं जिसमें N3 ग्रुप होता है, दिस इज कॉल्ड एजाइड, उस पर माइनस चार्ज होता है। अब जैसे मुझे नाइट्रोजन सोडियम का एजाइड बनाना था तो बस NaN3 बन जाएगा, क्योंकि Na की वैलेंसी वन होती है, N3 की भी वैलेंसी वन होती है, तो आप सिंपली बना सकते हो। अब यदि आपको बेरियम का एजाइड बनाना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर बेरियम लगाएंगे, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, तो वो 2 वैलेंसी चली जाएगी इसके पास और वन आ जाएगा नीचे, तो फॉर्मूला बन जाता है BaN3 होल ट्वाइस। आपको सिंपली से हीट करना है, ऑन हीटिंग वी विल गेट द बेरियम एंड द नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली सोडियम एजाइड ऑल्सो ऑन हीटिंग गिव्स बेरियम नाइट्रोजन एंड सोडियम मेटल। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज, इट इज़ ए कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है और कोई पॉइजनसनेस भी नहीं है। नंबर 2, डाइनाइट्रोजन इज़ वेरी अनरिएक्टिव। डाइनाइट्रोजन जो होता है अनरिएक्टिव होता है एंड केमिकली इनर्ट इन नेचर, और नेचर में इनर्ट भी होता है। बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नंबर 3, इट वेरी लेस सोलेबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत ही कम सोलेबल होता है। नेक्स्ट हेडिंग, इट हैज़ लो एम्बिएंट बीपी, क्योंकि इसमें पोलैरिटी जरा सी भी नहीं है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद द मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म नाइट्राइड। यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है, नाइट्राइड कर लेना बच्चों उसको भी, इट इज नाइट्राइड, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, नाइट्राइड, क्योंकि नाइट्राइट होता तो यहाँ पे NO2 बनना चाहिए था, बेसिकली यहाँ पे N बन रहा है, देयरफॉर इट इज़ द नाइट्राइड। रिएक्शन समझो, यदि आप लिथियम की नाइट्रोजन से करते हो तो क्या बन जाएगा, Li3N, Mg की करेंगे तो Mg3N2, N2 की करते हैं H2 से तो अमोनिया, और O2 से करते हैं तो NO। सिंपल रिएक्शन से एक एक बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगी। यूजेस, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, नंबर 1, इट इज़ यूज फॉर द प्रिपेयरिंग अमोनिया एंड द कैल्शियम साइनाइड। नंबर 2, इट इज़ यूज इन द स्टील इंडस्ट्रीज एज ए इनर्ट गैस, क्योंकि इनर्ट नेचर की है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें बच्चों, तो बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटीरियल, बायोलॉजिकल मटीरियल को प्रिजर्व करने के लिए या रेफ्रिजरेंट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर द फूड आइटम्स ऑल्सो। अब एक क्वेश्चन हम ये से ले लेते हैं, ये भी आपका इंडेक्स का ही क्वेश्चन है।
राइट द रिएक्शन ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड. सोडियम एजाइड को हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, सिंपली नाइट्रोजन गैस बनती है, प्योर स्टेट में बनती है. वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाई इज नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. ये एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है 7.3. आंसर क्या है इसका, टू नाइट्रोजन एटम्स होते हैं N2, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, इजिली ब्रेक नहीं होता, दैट्स वाई इट इज इनर्ट एट द रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट टॉपिक इज अमोनिया. कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, नंबर वन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया. यूरिया का आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, यूरिया इज NH2CuNH2. ऑन हाइड्रोलिसिस फर्स्ट इट फॉर्म्स NH4CO2CO3. अमोनियम कार्बोनेट बनता है, विच ऑन फर्दर हीटिंग इज NH3H2O एंड CO2. ऑन स्मॉल स्केल, यदि आपको स्मॉल स्केल पे बनाना है, देन इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनियम सोल्ट. अमोनियम सोल्ट से बनाते हैं बाय ट्रीटिंग विद द एल्कली लाइक कास्टिक सोडा और लाइम. कास्टिक सोडा और लाइम से कर लेते हैं. जैसे अमोनियम सल्फेट है, NH रिएक्शन करेंगे तो बनेगा Na2SO4, वाटर और साथ में NH3. सिंपल रिएक्शन है, Na की रिएक्शन SO4 से कराओगे तो क्या बनेगा, Na2SO4, बाकी आप कंबाइन करा दो. सिमिलरली कैल्शियम अमोनियम क्लोराइड की यदि हम वो करते हैं स्लेट लाइम से, तो कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया और H2 बनता है. सिंपल रिएक्शन है कि एक बार पढ़ोगे याद हो जाने वाली रिएक्शन है. ऑन लार्ज स्केल, ऑन द लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हेबर्स प्रोसेस. किससे बनाते हैं हम इसको, हेबर्स प्रोसेस से बनाते हैं. वॉट इज इट, N2+3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3. अब ये जितना देखने में ईजी लग रहा है उतना ईजिली नहीं होता. इन द हेबर प्रोसेस नाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन इज टेकन इन द 1:3 एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. टेम्परेचर बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई नहीं लगना है, इस वर्ड को आप मॉडरेट बोल सकते हो, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे प्रेशर लो लेना है, मॉडरेट लेना है, क्योंकि ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम प्रमोटर. आजकल ये पूरा बहुत पुराने कैटलिस्ट हैं, आजकल इनकी बजाय हम कुछ और यूज़ करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ जैसे आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं K2O और साथ में Al2O3 टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. एक्चुअली इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है और यहाँ पर जो डेल्टा एच है ये आपका नेगेटिव होता है इस प्रोसेस में. 11th का क्वेश्चन है, ली चैटेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको हम. तो यदि कहीं पर नेगेटिव आ रही है वैल्यू तो वो एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब फॉरवर्ड में इक्विलिब्रियम ना जाके बैकवर्ड में जाता है. अब क्या कंडीशन हो सकते हैं जिसमें हम इसको बना लें, नंबर वन तो प्रेशर है, आपको हाई प्रेशर रखना है 200×10⁵ पास्कल, आप इसको 200 एटमोसफेयर भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर जो आपको 700 केल्विन रखना है. थर्ड इज द कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3, ये सब आपको रखना है यहाँ पर. अब ये फ्लो चार्ट है आपका, वैसे एग्जाम में नहीं आता फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे. क्या होता है इसमें, एक साइड से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस पासिस करते हैं, सबसे पहले दोनों गैसेस जाती हैं कंप्रेसर में, जहाँ पर 20 MPa है, यानी कि 200 एटमोसफेयर भी कह सकते हो आप इसको, 200×10⁵ पास्कल भी बोल सकते हो. दोनों गैसेस कंबाइंड में कंप्रेस होती हैं और कंप्रेस होने के बाद एंटर करती हैं इस कैटलिटिक चैम्बर में, जहाँ पर हमने आयरन ऑक्साइड रखा हुआ है K2O और Al2O3 एट अबाउट 700 केल्विन रखा हुआ है. यहाँ पर रिएक्शन होती है, लेकिन आपको पता ही रिएक्शन रिवर्सेबल है, कुछ अमोनिया बनेगा कुछ वो डिकम्पोज होगा, तो जैसे नेक्स्ट कंटेनर में पहुँचती है गैस तो लिक्विड अमोनिया को हम सेपरेट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और साथ में हमें जो अनरिएक्टेड गैसेस हैं उनको रीयूज़ करना है. दैट्स वाई उन गैसेस को रीयूज़ करने के लिए हम पंप आउट कराते हैं और उनको कैटलिटिक चैम्बर में ही पास करा देते हैं. पंप का काम ही गैसेस को खींचना होता है और वो कैटलिटिक चैम्बर में उनको पास करा देता है, सो दैट द रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस. प्रॉपर्टीज देखते हैं, इट इज़ ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस, लाइटर देन एयर. पंजेंट स्मेल है, बड़ी तीखी सी स्मेल आपको लगेगी. बेसिकली ये यूरिनल में मिलती है, जहाँ पर आपने देखा होगा जहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, दैट स्मेल इज ऑफ अमोनिया. नंबर टू, इट इज़ बेसिक इन कलर सो टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. ये बेसिक में होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू कर सकते हैं. बेसिक करेक्टर क्यों होता है, क्योंकि लोन पेयर होता है इन पे. थर्ड पॉइंट यही आ रहा है, इट हैज़ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो टू डोनेट सो इट बिहेव्स एज अ लुविस बेस. जिनके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो एज ए लुविस बेस ही एग्जिस्ट करते हैं. इन द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट इट पजेसिस द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो इट हैज हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके पास हाइयर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसमें
एक लोन पेयर है यहाँ पर और तीन बॉन्ड पेयर्स होते हैं, एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, ठीक है ना, और इसमें पिरामिडल सी शेप होती है। नंबर सिक्स, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म्स वीकली बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OHN, अमोनिया प्लस H2O गिव्स अमोनियम एन एंड OHN, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो OHN फॉर्म करता है, इसी वजह से बेसिक नेचर भी आ जाता है इसका। बींग बेसिक इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विद एसिड, एसिड के साथ कंबाइन कराते हैं तो ये बेसिक होने की वजह से अमोनियम सॉल्ट बना लेता है, NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा शो करता है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है, जैसे कॉपर आयंस है प्लस 4NH3 गिव CuNH3 होल 4, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि डार्क ब्लू कलर का होता है। इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। इट कैन रिएक्ट विद द मेटल सॉल्ट टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड, इसका जो सॉल्यूशन होता है ये मेटल हाइड्रोक्साइड के मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर सकता है और ऑटोमेटिकली क्या फॉर्म करता है, मेटल के हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल FeCl3 है, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा FeOH3, सिंपल रिएक्शन है। इसमें आप चाहो तो ये NH समझने के लिए NH4Cl यहाँ से निकाल सकते हो और जो बचा उनको कंबाइन करा दो। सिमिलरली अमोनियम की सल्फेट से कराओगे तो क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट और जिंक का हाइड्रोक्साइड। यूजेस, लिक्विड अमोनिया इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। नंबर टू, अमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। नंबर थर्ड, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह को बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया, वाई डज NH3 एक्ट एज ए लुइस बेस, NH3 जो होता है लुइस बेस की तरह से क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है उसको सुनो। नाइट्रोजन एटम इन NH3 हैज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन एटम के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है जो इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए लुइस बेस का काम करता है, जो अभी आपको पीछे भी बताया था वही क्वेश्चन आ गया बिल्कुल एज इट इज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, कहने को तो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनते हैं, HNO2, HNO3, NO5 वगैरह, बट वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। ये जो HNO3 होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन करेंगे बच्चे, इन द लेबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग NNO3 और KNO3 विद कंसंट्रेटेड H2SO4 इन ग्लास रिटोर्ट, ग्लास की एक ट्यूब होती है रिटोर्ट जिसको बोलते हैं, वो बड़ी हार्ड होती है, उसके अंदर हीट करते हैं, देन 2NNO3 प्लस H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस HNO3। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से एक एच और ये पूरा NO3 तो मिलके बन जाते हैं HNO3। नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन बाय द ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है। ऑन द लार्ज स्केल HNO3 कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द ओस्टवाल्ड प्रोसेस एज फॉलोज, क्या करना होता है, अमोनिया को और O2 को 4:5 में लेना होता है। प्लेटिनम और रोहोडियम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट गर्ल्स की फॉर्म में, 500 केल्विन टेम्परेचर होगा, 9 बार प्रेशर होगा। O2 आपको एयर से ही कलेक्ट कर लेनी है, कुछ खर्चा नहीं करना उस काम के लिए। देन 4NO प्लस 6H2O विल बी फॉर्म, वो जो NO बनती है फिर उसको एयर से ही हम NO2 में चेंज कर लेते हैं, NO2 को फिर वाटर सिलेक्शन कराते हैं तो बनता है हमारा HNO3 और साथ में बनता है NO, NO को रिसाइकल करा लेते हैं ताकि वो हमारा रीयूज हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ये भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं बच्चों कि जो हमारा प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी हम रीयूज करें ताकि मेथड की कॉस्ट कम हो जाए, मेथड हमारा चीपर हो जाए, कोई भी इसमें मेथड में हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए अदरवाइज वो मुश्किल हो जाएगा। जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए सो दैट द प्रोसेस कैन बी चीपर टू चीपर। स्ट्रक्चर देखो बेटे, स्ट्रक्चर इसका HNO3 का NCRT में ये डायमेंशंस दी हुई हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर है, मैंने वहीं से कॉपी किया है। एक्चुअली वैसे स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में मिस्टेक है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, एक इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है, बुक वाले इस तरह से दिखाते हैं विच इज़ इनकम्प्लीट, आप ऐसे बनाना जैसे मैंने अब बनाया। इन द गैसेस स्टेट HNO3 एग्जिस्ट एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, ये प्लेनर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जस्ट शोन इन द फिगर, इन विच नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आप देखो भी यहाँ ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन एटम है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड्स,
तीन बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पर, देयरफॉर इट इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट हेडिंग इज द प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस लिक्विड बट ऑन एक्सपोजर टू लाइट इट टर्न्स स्लाइटली ब्राउन ड्यू टू द डिकम्पोजिशन इनटू NO2 एंड O2। वैसे देखा जाए तो ये आपका वाइट कलरलेस सा लिक्विड है, लेकिन जब थोड़ा बहुत सनलाइट में आ जाता है तो ये डिकम्पोज होके NO2 और O2 में चेंज हो जाता है। जैसे आपकी रिएक्शन हो गई 4HNO3 ऑन हीटिंग इज 4NO2 प्लस O2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। इन द एक्व सोल्यूशन इट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम आयन एंड द नाइट्रेट आयन। HNO3 जो होता है वाटर में डिसोशिएट होकर NO3N बना देता है, साथ में H2H3O पॉजिटिव। एक छोटी सी मिस्टेक भी है, ये 2H2O नहीं आएगा, सिंपल H2 आएगा बस। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर, आपको पता ही है कंसनट्रेट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कंसनट्रेट HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक्स मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट नहीं करता, बाकी सबके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ द कॉपर मेटल विद द डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट HNO3 फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं है कि आप HNO3 की रिएक्शन कराओगे तो सब जगह सेम प्रोडक्ट बनता है। कॉपर के केस में कंसिडर कर लो तो ये आपका डाइल्यूट से बनता है कॉपर नाइट्रेट NO प्लस H2O, और कंसनट्रेट से करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट NO2 और H2O। बिकॉज कंसनट्रेट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस NO को NO2 में चेंज कर देता है। इसी का फर्क है दोनों रिएक्शंस में, बाकी दोनों प्रोडक्ट सेम है। इन रिएक्शंस में बेटे आपको सबको बैलेंसिंग का भी बहुत ध्यान रखना है, बैलेंसिंग के बगैर अदरवाइज मार्क्स आपके कटते हैं एग्जाम में। इनऑर्गेनिक में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक में आप थोड़ा बहुत भूल जाओ, 2H2 भूल गए, 2 लिखना भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ द जिंक मेटल विद द डायल्यूट एंड कंसनट्रेट HNO3 फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यदि हम इनकी रिएक्शन कराएं तो कंसनट्रेट HNO3 से करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे इनमें क्या होगा, एक तो जिंक नाइट्रेट एज इट इज बनेगा, H2O भी बनेगा, बस यहाँ फर्क है तो क्या है, पहली रिएक्शन में बन रहा है N2O और दूसरे में बन रहा है NO2। इसको भी अच्छे से याद करना, ये चारों रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, इनको बड़े अच्छे से याद करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है इनकी। सम मेटल्स लाइक क्रोमियम एल्यूमिनियम डू नॉट डिजोल्व इन द कंसनट्रेट HNO3। कुछ मेटल ऐसी हैं जो HNO3 में भी डिजोल्व नहीं होती बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। इनकी सरफेस पे एक लेयर बन जाती है, जैसे एल्यूमिनियम पे Al2O3 की, और वो इनर्ट होती है, फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकती वो HNO3 से। कंसनट्रेट HNO3 कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड। नॉन मेटल्स को भी, उनके कंपाउंड्स को भी इजीली ऑक्सीडाइज करती है। जैसे I2 की के साथ कराएं तो HIO3 बनता है, कार्बन के साथ कराएं तो CO2, सल्फर S2SO4 फॉर्म करता है, P4 बनाता है, H3PO4। बाकी देखो एक सब में कॉमन बात आप नोट करो, सब में NO2 मिलेगा, सब में आपको H2 मिलेगा। थोड़ा बैलेंसिंग जरा ध्यान से करना। नेक्स्ट इज द ब्राउन रिंग टेस्ट। इस टेस्ट में अब देखो क्या क्या करना होता है हमें। इन दिस टेस्ट वी एड डाइल्यूट FeSO4 सॉल्यूशन टू द सॉल्ट कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। हमें इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 यूज़ करना पड़ता है, कंसनट्रेट H2SO4 डालते हैं और नाइट्रेट आयन डालते हैं। कंसनट्रेट H2SO4 जो डालना है आपको वो अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब ऐड करना है। देन ए ब्राउन कलर रिंग इज फॉर्म विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन। वो नाइट्रेट आयन बनने की वजह से आपका प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन को शो करता है, वो NO की वजह से शो करता है। एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रेट आयन की टेंडेंसी होती है वो फेरस की प्रेजेंस में वो चेंज हो जाते हैं आपके फेरिक में, और खुद चेंज हो जाते हैं NO में। तो ये NO बनने की वजह से यही NO आयरन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दैट इज Fe H2O5 NO+2 चार्ज। ये ब्राउन कलर का होता है जिस वजह से वहाँ पर ब्राउन कलर की रिंग आती है। ये टेस्ट आप लैब में भी करोगे, आप वहाँ ध्यान से करना। Uses, it is used as an oxidizer in the rocket fuel. The number two, its major uses are in the pickling of the stainless steel, etching of the metals. Number third, it is used for the preparation of the nitroglycerin, या organic nitro compound बनाने के लिए हम करते हैं। और last है, nitrates used in the explosive and the pyrotechnics. Pyrotechnics बोलते हैं crackers. Explosive बनाना हो तो भी इसका use कर लेना बच्चों, और crackers बनाने हो तो भी उसमें भी इसी का use करते हैं, ठीक है जी।
अब आपका ये आप लेक्चर आज ख़त्म हुआ और इसमें हमने 15 ग्रुप का पूरा अच्छे से फिनिश कर लिया। अब 15 ग्रुप में इसके अलावा थोड़ा बहुत फॉस्फोरस के टॉपिक्स हैं, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं, फॉस्फोरस के फॉस्फीन एक कंपाउंड है, फॉस्फोरस के ऑक्सोसिड हैं, वो सिलेबस में नहीं है बच्चों इस साल, इसलिए आपको वो सब छोड़ देना है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ तो इस वीडियो को दोबारा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, लाइक करके बता दिया करो भाई कैसी लगी वीडियो, कमेंट भी कर दिया करो, और जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय बाय।